हाय दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आपके ऊपर ही है, जो जो बहुत सारे कमेंट आए हैं और उसमें से एक स्टूडेंट है। तो आज जो बेसिकली जो क्लासेस है आप लोग का डाउट्स के ऊपर ही क्लास दूंगा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा करके कमेंट करिएगा, जिसका ज़्यादा कमेंट होगा, जिसमें ज़्यादा डिमांड होगा, मैं उसी टॉपिक पे लेकर काम करूँगा। तो एक स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फॉल्स सीलिंग बनाने में, तो आज मैं आप लोग को वही फॉल्स सीलिंग दिखाना चाहता हूँ। एंड बहुत सारा व्यूअर है जिसको फॉल्स सीलिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इस वीडियो में देख के वो बहुत लोग का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो एक फॉल्स सीलिंग है, जैसे कि ये फॉल्स सीलिंग है, तो ये मेरे पास फ़ोटो आया, तो मैं आपको ये फॉल्स सीलिंग बनाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ताकि देखने में कोई असुविधा ना हो। तो इस फॉल्स सीलिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको फॉल्स सीलिंग बनाना है तो पहले मेरा सजेशन में आप लोग पहले ऑटो कैड में बनाइएगा। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्टली मैक से बनाए तो बनेगा, बट वो परफेक्शन एंड बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं होगा। तो इससे बेटर मैं आप लोग को सबसे सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई फॉल्स सीलिंग बनाए तो पहले ऑटो कैड में अच्छा से उसको बना ले, उसके बाद ही करें। तो मैं वही करना चाहता हूँ, पहले ऑटो कैड में बनाऊँगा ये फॉल्स सीलिंग को। तो एक ले लेते हैं रूम का साइज़ लगभग 10 फीट बाई 12 फीट। तो दोस्तों ये बेसिकली डिज़ाइन है, क्रिस क्रॉस टाइप का लाइनिंग है, तो ये देखना पड़े, ये देख के आप कर सकते हैं। हम लोग इसी को पहले बना लेते हैं कि स्लैब करके बॉक्सेस लगाना है। तो हम लोग इसको करते हैं, पहले लाइन ले लेंगे हम लोग, इसको हम लोग एज्यूम करके या फिर क्रिस क्रॉस टाइप का देना है। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मेज़रमेंट नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको एज्यूम करके बनाएंगे। मान लो एक लाइन ऐसे कर दिए, ये देखो ये थोड़ा बड़ा में जा रहा है, पतला हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग रखते हैं थीम। फिर इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, इस टाइप का रख सकते हैं। ये तो आप कोई भी टाइप का, इस टाइप का शेप देख के कुछ भी बना सकते हो, बेसिकली अच्छा होना चाहिए। इस टाइप का शेप दे सकते हैं, चलेगा। थोड़ा सिमिलर हो गया है, हाँ चलेगा, आप देख सकते हो। इसमें से थोड़ा इसको हम लोग बेसिकली किसी को टच नहीं कराना, हम लोग को थोड़ा डिफरेंस रखना है ताकि वो स्लैब कहीं और वहाँ पे लाइट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे ऑफसेट, 5 इंच ले लेते हैं या 6 इंची, उससे लाइट का गैपिंग आएगा। अब सबको ट्रिम करेंगे,
अब करेंगे एक्सटेंड। कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, उसको फिर से नोट ट्रिम कर लेते हैं। जैसे कि इधर पे हाँ, अब ये दोस्तों ये हमारा फॉल्स लिंक ऑटो कैड में रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑटो कैड में पूरा प्लानिंग पूरा काम हो गया है फॉल सीलिंग का। तो जो सेकंड वीडियो जो बनाएंगे तो हम लोग बताएंगे उस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग 3ds Max में इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से मॉडलिंग बनाते हैं। तो उसमें वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा लाइटिंग का काम बताया जाएगा, किस तरीके से डिटेलिंग में हम लोग काम करते हैं फॉल सीलिंग के अंदर में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा एंड जो नया व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और भी ऐसा ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।